नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सोमवार से जिले के 38 परीक्षा केंद्रों पर इंटरमीडिएट की परीक्षा होंगी शुरू। कदाचार मुक्त परीक्षा कराने का डीएम ने दिया निर्देश। आम लोगों को बजट के पिटारे से कई सौगात मिलने की उम्मीद। कांग्रेस नेता बोले, डीजल के दाम बढ़ने से किसान है परेशान। रेंज डीआईजी सुजीत कुमार ने कटोरिया थाना का किया औचक निरीक्षण। लंबित पड़े कांडों के निष्पादन में तेजी लाने के दिए निर्देश। घर में अकेली लड़की को देखकर मनचले ने दुष्कर्म का किया प्रयास। पीड़िता ने थाने में आवेदन देकर लगाई न्याय की गुहार। और भागलपुर में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का हुआ आयोजन। डॉक्टरों ने मरीजों को ठंड से बचने की दी सलाह। समाचार विस्तार से। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 को लेकर जिले के सभी परीक्षा केंद्रों पर तैयारी पूरी कर ली गई है। सोमवार से शुरू होने वाली परीक्षा के लिए जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कुल 38 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। वहीं जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए कई दिशा निर्देश जारी किया है। बता दें कि परीक्षा केंद्र के आसपास सभी फोटो स्टेट की दुकानों के खुलने पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही जमघट लगाने या हंगामा करने वालों पर प्रशासन की पैनी नजर रहेगी। इसके अलावा शांतिपूर्ण माहौल में परीक्षा संपन्न कराने के लिए जिला दंडाधिकारी के आदेश पर 3800 परीक्षा केंद्र के आसपास धारा 144 लागू रहेगा। दूसरा, ये पूरा फरवरी का महीना परीक्षा इंटरमीडिएट मैट्रिक 1 तारीख से इंटरमीडिएट की परीक्षा शुरू हो रही है, तो उसके लिए भी आज हम लोगों ने ब्रीफ किया है, सभी केंद्र अधीक्षकों से बात की है, तो सारी तैयारी हो गई है। आज मुख्य सचिव महोदय के स्तर से भी इसकी समीक्षा हुई है, तो हम लोग बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से और बढ़िया माहौल में परीक्षा कराएंगे। 1 फरवरी को संसद में वित्त वर्ष 2021-22 का आम बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन पेश करेंगी। वहीं लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था चरमराने के बाद आम लोगों को इस बजट से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। ऐसे में सरकार को कमजोर वित्तीय स्थिति के बीच लोक लुभावन वादे, रिफॉर्म और विकास के लिए तालमेल बिठाना होगा। इधर आम बजट को लेकर कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने केंद्रीय बजट से बिहार को ज्यादा उम्मीद नहीं रखने की बात करते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोल दिया। विधायक ने कहा कि यदि केंद्र सरकार रोजगार का सृजन करना चाहती है तो कारखानों की स्थापना करे और युवाओं को सब्सिडी पर कर्ज मुहैया कराए। विधायक ने बताया कि डीजल के मूल्य में बढ़ोतरी से किसानों को लागत मूल्य भी नहीं मिल पा रही है, जिससे किसान काफी परेशान हैं। इधर सिया वफ कमेटी के जिला सचिव सैयद जिजा हुसैन ने कहा कि सरकार से बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान देने की उम्मीद है। ईस्टर्न बिहार चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अभिषेक जैन ने केंद्रीय बजट में सरकार से आयकर छूट की सीमा बढ़ाने की मांग करते हुए व्यापारियों के हित में कई अपेक्षाएं जाहिर की हैं। ऐसे तो केंद्र सरकार से बजट में बहुत बिहार को उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर सचमुच वो चाहते हैं कि बिहार के लिए चिंतित हों, तो युवकों को रोजगार देने के लिए जो आपने वादा किया है चुनाव के समय 19 लाख नौकरी, उसके लिए कल कारखाने बड़े बड़े हर जिला में, चाहे वो एग्रोबेस्ड इंडस्ट्री हो या ऐसी व्यवस्था करें जो बाहर से इंडस्ट्रीस्ट आपके यहाँ आके कल कारखाना खोले। दूसरी बात आपको यह करनी होगी कि इंडस्ट्री खोलने के लिए सस्ते दर पे बैंकों से कर्ज दिलाने की व्यवस्था करनी। कल जो हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी जो कल एनुअल बजट पेश करेंगी, उसमें लोगों का एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई है, क्योंकि इकोनॉमी काफ़ी स्लो डाउन है। उसका वन ऑफ द रीज़न है पैंडेमिक कोरोना, तो इसमें उनको बहुत कठोर कदम उठाने होंगे जिससे कि इकोनॉमी थोड़ा फास्ट हो। साथ ही साथ जो लो मिडिल क्लास के लोग हैं उनके परचेजिंग पावर बढ़े, उसके लिए टैक्स में डायरेक्ट टैक्स कटिंग होना चाहिए और जीएसटी में रिडक्शन होना चाहिए। केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण से आग्रह करता हूँ कि कोविड के प्रसार को रोकने हेतु लागू किए गए लॉकडाउन की अवधि में व्यापारी एवं औद्योगिक इकाइयों लंबी अवधि तक बंद रही, परंतु बैंक ब्याज, किराया, कर्मियों का वेतन, टेलीफोन, बिजली आदि खर्चों का बोझ बढ़ने के कारण व्यापारी, निर्माताओं एवं प्रशिक्षण इकाइयों की आर्थिक स्थिति अत्यंत दैनिक हो गई है। मेरा वित्त मंत्री से विनम्र अनुरोध कि लॉकडाउन अवधि में बैंक ब्याज जिसे स्थगित किया गया था उसे माफ़ किया जाए
और कोरोना महामारी में मृत व्यवसायी के घर वालों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। भागलपुर प्रमंडल क्षेत्र के DIG सुजीत कुमार ने शनिवार को कटोरिया थाना परिसर स्थित SDPO कार्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान DIG ने अभिलेखों के संधारण की स्थिति को जांचा, साथ ही संगीन अपराध में अभियुक्तों को जल्द पकड़ने का निर्देश दिया। वहीं प्रशिक्षु DSP के साथ भी केस के अनुसंधान सहित विधि व्यवस्था पर गहन चर्चा की गई। मौके पर इंस्पेक्टर मोहम्मद इमानुल्लाह, बेलहर थानाध्यक्ष विनोद कुमार, चांदन थानाध्यक्ष रविशंकर कुमार एवं सुइया थानाध्यक्ष देवेंद्र राय समेत अन्य पुलिसकर्मी उपस्थित थे। लंबित कांडों की समीक्षा, यहाँ पे जो अभिलेख संधारित हो रहा है उसका निरीक्षण, इन चीज़ों को मेरे साथ इस निरीक्षण के दौरान दो प्रशिक्षु DYSP ऑफिसर जो हैं, जो भी यहाँ प्रशिक्षण हेतु आए हुए हैं, वो भी उपस्थित थे। उनसे भी मैंने गहन चर्चा की है इन विषयों पर। सरकार द्वारा रेप विक्टिम की सुरक्षा को लेकर बनाए जाने वाले कानून और सामाजिक जागरूकता के बावजूद आए दिन किसी न किसी जगह से रेप की घटना सामने आती है, जिसका खामियाजा रेप पीड़िताओं को अपना सम्मान या जान देकर भी चुकाना पड़ता है। बावजूद इसके अपराधियों और विकृत मानसिकता के लोगों पर पुलिस प्रशासन लगाम लगाने में नाकाम नजर आ रही है। ताजा मामला बांका कटोरिया के राधानगर गाँव का है, जहां भगुल दास के 20 वर्षीय पुत्र कामेश्वर दास ने युवती को उसके घर में अकेला पाकर उसके साथ जोर जबरदस्ती कर दुष्कर्म करने का प्रयास किया, जिसके बाद युवती द्वारा चिल्लाने पर आसपास के लोग वहां इकट्ठा हो गए। इस दौरान आरोपी के परिजन मौके पर पहुंचकर उसे वहां से ले गए। वहीं मामले को लेकर पीड़िता ने बीते शनिवार को थाना में आवेदन देकर नामजद आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। एजाज सैयदना फाउंडेशन भागलपुर की ओर से आज फ्री हेल्थ चेकअप एंड अवेयरनेस कैंप का आयोजन किया गया। इमामपुर पंचायत के चमेली चक में लगाए गए शिविर में सैकड़ों लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई, साथ ही निशुल्क दवा का भी वितरण किया गया। इसके पूर्व चिकित्सा शिविर का उद्घाटन एजाज सैयदना फाउंडेशन के सचिव सैयद अहमद अता हुसैन कादरी, आजम खान, शमीमुल्लाह, मौलाना अहमद रजा और आगत अतिथियों ने फीता काट कर किया। वहीं हेल्थ कैंप में डॉक्टर एम सरफराज, डॉक्टर नूर शेख, डॉक्टर शाहिद स्ताह जबी, डॉक्टर अब्दुल कादिर और डॉक्टर धीरज ने मरीजों को देखने के बाद चिकित्सीय परामर्श दिया। शिविर में मधुमेह, ब्लड प्रेशर, गठिया, किडनी, दमा, हार्ट एवं दंत समेत कई प्रकार के रोगों से पीड़ित मरीजों की जांच की गई। वहीं डॉक्टर्स एवं नर्सिंग स्टाफ की टीम ने लोगों का हेल्थ चेकअप किया और उन्हें फ्री हेल्थ टिप्स की जानकारी दी। शिविर के दौरान बताया गया कि किस प्रकार से बच्चों और बुजुर्गों के दैनिक दिनचर्या में होने वाले विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों को ठंड में एडजस्ट किया जा सकता है। डॉक्टर्स ने बताया कि बदलते मौसम में लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि मौसम बदलने के साथ ही बीमारियों का प्रकोप भी शुरू हो जाता है और सबसे पहले बच्चे इसकी चपेट में आते हैं। मौके पर आजम चिश्ती और अकबर टाइगर खान ने कहा कि फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंदों की सेवा करना है। आज एजाज़ सैयदना फाउंडेशन की ओर से चमेली चक इमामपुर पंचायत में कैंप का आयोजन किया गया है, मेडिकल शिविर का, फ्री मेडिकल शिविर का आयोजन किया गया है। एजाज़ सैयदना फाउंडेशन हमेशा गरीब लोगों के लिए हमेशा मदद करने को आगे रहते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो। विभिन्न प्रकार के हम लोगों का कार्य है, ठंड में कंबल वगैरह का वितरण है या फिर मेडिकल का। अभी पिछले संडे को भी हम लोगों ने मेडिकल सुल्तानपुर मुखरिया में लगाया था 24 जनवरी को। आज यहाँ चमेली चक में हम लोग लगा रहे हैं। सनोला प्रखंड के मदारगंज में शनिवार की देर रात अज्ञात व्यक्ति ने विभास यादव के घर में आग लगा दी, जिससे उनके गौशाला में बंधी हुई गाय सहित दो मवेशी की जलने से मौत हो गई। घटना को लेकर बताया गया कि किसी ग्रामीण ने दुष्ट भावना से ग्रसित होकर इंसान से बदला लेने के लिए दो बेजुबान की जान ले ली। बता दें कि घटनास्थल से किरासन तेल का डब्बा बरामद हुआ है। वहीं आग लगाने से घर का सारा सामान भी जलकर खाक हो गया, जिसमें पीड़ित विभास यादव को लाखों रुपए का नुकसान हुआ। इधर घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि घटना की जांच गहनता से की जा रही है और जल्द ही दोषी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मन की उदासी, नस, सिर दर्द, हिस्टीरिया, पागलपन, मिर्गी, अनिंद्रा, सेक्स रोग एवं नशा जैसे पुरानी शराब, गांजा,
भांग, ड्रग्स एवं किसी भी प्रकार के पुराने नशे के इलाज हेतु संपर्क करें भागलपुर स्थित आनंद क्लिनिक, जो कंसल्टेंट न्यूरोसाइकोट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन थेरेपिस्ट के मशहूर डॉक्टर ऋषि आनंद की देखरेख में किया जाता है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल में ईईजी, ईसीटी एवं एमबीटी के साथ साथ मरीजों के भर्ती हेतु 24 घंटे एसी, नॉन एसी, जनरल एवं स्पेशल वार्ड की सुविधाएं उपलब्ध है। आनंद क्लिनिक लाजपत पार्क, घंटाघर के उत्तर, मोक्षदा स्कूल के समीप, मशाकचक, भागलपुर, बिहार। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भागलपुर संडिस कंपाउंड परिसर में बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ मूल की ओर से रविवार को बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में शिक्षक संघ के पदाधिकारी पूरन कुमार ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार प्रमाण पत्र जाँच के नाम पर शिक्षकों को मानसिक प्रताड़ना देने के साथ 50 साल से अधिक के सभी कर्मियों की सेवा समाप्त करने के आदेश को वापस ले। उन्होंने विश्वविद्यालय शिक्षकों की तर्ज पर तमाम स्कूली शिक्षकों की सेवा विस्तार कर 65 वर्ष करने की मांग की। इसके अलावा एक बार फिर शिक्षकों ने समान काम के बदले समान वेतन की मांग करते हुए कहा कि मजबूर होकर उन्हें आंदोलन करना पड़ता है, लेकिन सरकार शिक्षकों के खिलाफ तुगलकी फरमान जारी करने में लगी हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि अब शिक्षक सरकार से आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हैं। यह बैठक है, साल का प्रथम बैठक है बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ मूल के द्वारा। राज्य सरकार द्वारा तुगलकी फरमान जारी कर दिया गया है, जो फरमान शायद शिक्षकों के हित के लिए नहीं है और सरकार के लिए हित के लिए नहीं है। शिक्षक कभी नहीं चाहता है कि हम सड़क पर उतरकर आंदोलन करें, लेकिन सरकार विवश करती है जो शिक्षक आंदोलन के लिए बाध्य होती है। आज हम लोग निर्णय लेंगे बैठक में, सरकार 3-4 जो अपने तुगलकी फरमान जारी किया उसको वापस ले, अन्यथा हम लोग सड़क पर उतरकर सरकार के विरुद्ध में जो रूपरेखा तैयार की है सरकार उसका हम लोग विरोध करेंगे। भागलपुर सुल्तानगंज के एक रेस्ट हाउस में एनडीए कार्यकर्ताओं की ओर से विधायक डॉक्टर प्रोफेसर ललित नारायण मंडल के अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान एनडीए कार्यकर्ताओं द्वारा विधायक ललित नारायण मंडल का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। साथ ही विधायक ने एनडीए कार्यकर्ताओं को डायरी एवं कलम देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम की शुरुआत स्थानीय कलाकारों द्वारा गीत संगीत की प्रस्तुति देकर की गई। वहीं विधायक ने मीडिया को बताया कि केंद्र सरकार द्वारा कृषि कानून बिल किसानों के हित में है, महागठबंधन के लोगों द्वारा किसानों को भड़काया जा रहा है, लेकिन इसका बिहार के किसानों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। बिहार के किसान नरेंद्र मोदी के साथ हैं। कड़ाके की ठंड में विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से कम्बल का वितरण जरूरतमंदों के बीच किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज भागलपुर के साहेबगंज में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बेफी के अध्यक्ष दिलीप कुमार पोद्दार एवं संगठन सचिव बालकृष्ण पोद्दार ने गरीबों, दिव्यांगजनों, विधवाओं एवं वृद्धजनों के बीच कम्बल बांटा। इस दौरान पटेल नगर में कम्बल के साथ लोगों को मिठाई भी दिया गया। वहीं भागलपुर के संगठन सचिव बालकृष्ण ने बताया कि जिले में पड़ रही कड़ाके की ठंड में जरूरतमंदों को राहत पहुंचाने के लिए कम्बल का वितरण किया जा रहा है। आज ठंड के मौसम को देखते हुए मैंने अपने यूनियन बैंक बेफी संगठन के तरफ से कुछ कम्बल का वितरण किया, जो विधवा महिला औरतों के लिए जरूरी था। हमें लगा कि इस ठंड को देखते हुए विधवा महिला जो कमजोर वर्ग की महिला है उसको कुछ कंबल की आवश्यकता थी, इसीलिए हमने अपने बेबी और भागलपुर रिक्रिएशन क्लब के तरफ से अपने बच्चे के जन्मदिन पर कंबल और मिठाई का वितरण। जगदीशपुर थाना क्षेत्र के सनहौला में अजय कृषि केंद्र में चोरों ने चदरा हटाकर लगभग 1.5 लाख रुपए के सामान पर हाथ साफ कर लिया, जिसके बाद अजय कृषि केंद्र के मालिक अमित कुमार शर्मा ने जगदीशपुर थाना में आवेदन देकर शंकर शाह एवं पंकज शाह पर आरोप लगाया है। अमित ने बताया कि 3 दिन पूर्व शंकर शाह एवं पंकज शाह ने 1 लाख रुपए उनसे मांगा था। पैसे नहीं देने पर उसने उसके भाई मनोज कुमार शर्मा और उसे जान से मारने एवं बर्बाद करने की धमकी दी। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। ये सर, मैंने सुबह में दुकान से जब मैंने आया था ना, हाँ, दुकान तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे मैं सड़क खोला, हाँ, मैं दुकान के अंदर गया तो ऊपर का सीट मेरा टूटा हुआ था, हाँ, ऊपर से सीट टूटा हुआ था तो नीचे मैंने देखा सामान बिखरा पड़ा हुआ था, लगभग सामान बिखरा टूटा पड़ा हुआ। क्या क्या चोरी हुआ है आपका? सामान लगभग 1,85,000 सामान चोरी हुआ है, टोटल इसमें सामान निकल गया। भागलपुर गौशाला परिसर में योग एवं ध्यान सेंटर की शुरुआत को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस को गौशाला समिति के पदाधिकारी गिरधारी केजरीवाल और बेंगलुरु से आए श्री श्री रविशंकर महाराज के शिष्य स्वामी अभिषेक ने संबोधित किया।
अपने संबोधन में स्वामी अभिषेक ने कहा कि योग और ध्यान शरीर के साथ मन को भी स्वस्थ बनाता है। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के दौरान दुनिया भर में वैसे लोगों को अधिक परेशानी हुई जिनके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर रही हो। साथ ही उन्होंने कहा कि योग और ध्यान को लेकर लोगों को जागरूक कर इम्यूनिटी स्ट्रांग की जा सकती है। वहीं गिरधारी केजरीवाल ने कहा कि स्वामी अभिषेक और स्टेट कोऑर्डिनेटर गणेश सुल्तानिया के निर्देशन में सेंटर का संचालन होगा, जिससे सामान्य मरीजों के साथ क्रोनिक डिजीज वाले मरीजों को इस मेडिटेशन सेंटर के शुरू होने से अधिक लाभ मिलेगी। जबलपुर में योग और ध्यान केंद्र की शुरुआत की जा रही है। योग और ध्यान के लिए बेंगलोर से पधारे स्वामी अभिषेक जी और बिहार राज्य के कोऑर्डिनेटर श्री गणेश सुल्तानिया जी इस केंद्र को अपना आशीर्वाद देंगे। स्वर्गीय छेदीलाल शंकर लाल खेतान की स्मृति में केंद्रीय रेलवे रेलयात्री संघ के द्वारा पीरपैंती प्रखंड के मणिकपुर पंचायत अंतर्गत बिंड टोली गांव में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी लोगों के बीच कम्बल का वितरण किया गया। साथ ही संस्था की तरफ से पूरे देश में ट्रेन के यात्रियों को नशा खुरानी और सड़क सुरक्षा को लेकर निःशुल्क जागरूक भी किया जा रहा है। कार्यक्रम में कालीचरण शर्मा, नवीन दुबे, मोहम्मद औरंगजेब आलम, डॉक्टर रवि वालम समेत कई लोग मौजूद थे। भागलपुर गोराडी प्रखंड परिसर में बीते शनिवार शिक्षा पदाधिकारी नवनाथ मिश्र के विदाई को लेकर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह का उद्घाटन प्रखंड विकास पदाधिकारी संजय कुमार सिन्हा, अंचलाधिकारी नवीन कुमार भूषण और थानाध्यक्ष आशुतोष कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं नवीन कुमार भूषण और संजय कुमार सिन्हा ने नवनाथ मिश्र की प्रशंसा करते हुए उनके सेवा काल की सराहना की। मेरे चंद दिनों के कार्य से मुझे लग रहा है कि मेरा कार्य जिस तरह कर रहा है कि हमारे शिक्षक हमें सम्मान दे रहे हैं और निश्चित रूप से हमारे शिक्षक, हमारे सभी प्रधानाध्यापक, हमारे सभी संघ के लोग काबिल तारीफ हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब अंत में चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सोमवार से जिले के 38 परीक्षा केंद्रों पर इंटरमीडिएट की परीक्षा होंगी शुरू। कदाचार मुक्त परीक्षा कराने का डीएम ने दिया निर्देश। आम लोगों को बजट के पिटारे से कई सौगात मिलने की उम्मीद। कांग्रेस नेता बोले, डीजल के दाम बढ़ने से किसान है परेशान। रेंज डीआईजी सुजीत कुमार ने कटोरिया थाना का किया औचक निरीक्षण। लंबित पड़े कांडों के निष्पादन में तेजी लाने के दिए निर्देश। घर में अकेली लड़की को देखकर मनचले ने दुष्कर्म का किया प्रयास। पीड़िता ने थाने में आवेदन देकर लगाई न्याय की गुहार। और भागलपुर में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का हुआ आयोजन। डॉक्टरों ने मरीजों को ठंड से बचने की दी सलाह। आज की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।